शामली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शामली पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश लुटेरे हैं और कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाहा और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के लोई नहर का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को दबोच लिया। गए बदमाश लुटेरे हैं और आसपास के जनपदों में कई बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लूट गैंग का मास्टरमाइंड बंटी थाना देवबन जिला सहनपुर अभी फरार है। बाबरी थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पूर्व सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना को भी इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसमें सराफा व्यापारी से 700 ग्राम चांदी व 10,000 रुपए की नकदी लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में असलाह व लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 4 तमंचे, चाकू, कारतूस और लूट में प्रयुक्त की गई बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए अपराधी शातिर किस्म के हैं और पहले भी लूट की घटना में जेल जा चुके हैं। 15-20 दिन से मुखबिर पे लगे हुए थे। ये जो संदीप है हमारे गांव का है, इसने बोला कि ऐसे ऐसे एक काम है वो करना है। क्या क्राइम किया आपने? कितने की लूट की? कितने की लूट? 700 ग्राम। क्यों की थी लूट? क्या करना था उसके पैसों से? इस तरह का लालच किसी के कहने पे किया था या कोई किसके कहने पे किया था? इससे पहले भी कोई क्राइम किया? पहले कितने आदमी हैं जो ये लूटपाट करते हैं रोड पे? सर हमें जो थे कितने बंदे हैं? 6 बंदे। अब तक कितने लूटे कर चुके हो? इसकी ना भाई भाई ना तो साहब पकड़े गए, क्या क्राइम किया आपने? हमने ये सब कपड़े लूट लिए। अच्छा, कितने लोग थे लूट में? 6। अच्छा, आपके पापा जो है रिटायर्ड टीचर भी है, फिर भी ऐसा काम किया, क्या कारण रहा, क्यों किया? सर यही बस कि मोटा लाल से दिया गया कि घर वालों के अवसर इतने रहने गए और हमें किया का अपना बहुत अफसोस है। आपके मम्मी पापा दोनों रिटायर्ड टीचर है ना? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले कितने लूटे कर चुके हो आप? पहले तो क्या किसी के कहने पे की थी? हाँ, संदीप के कहने पे की थी, उन्होंने पूरा का पूरा प्लान किया। क्या लालच दिया था आपको उसने? काफी मोटा पैसा मिल गया। तो माँ बाप के आश्रित नहीं रहोगे इसीलिए घटना को अंजाम दिया गया। तो कितना सामान आपके उसमें जो भट्टे में आया, कितना कितना रुपया आया आपके? 700 रुपये। अच्छा, हथियार कहाँ से लाते थे? कट्टे वट्टे जो भी है संदीप को पता है। तो क्या मात्र 700 रुपये के लिए आपने जो है कदम उठाया, जिंदगी खराब कर ली? हमें तो बताया गया था कि काफी पैसा सामान मिलेगा उसके। तो पकड़े गए सर, क्या पूरा मामला? थाना बाबरी की कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें एक गांव के एक छोटा सा दुकानदार है जो चांदी का काम करता है, उससे 750-750 ग्राम चांदी की कुछ माल और कुछ पैसे लूट के लुटेरे फरार हो गए थे। 2 गाड़ी में थे, मोटरसाइकिल में। उसको लेके अलग से हम लोगों के द्वारा टीम गठित किया गया है। इंस्पेक्टर बाबरी, एसओ बाबरी, सब इंस्पेक्टर नेमचंद के नेतृत्व से, और हम लोग लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे। इसकी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 6 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं मुठभेड़ के द्वारा, और इनसे जो है लूटा गया माल, लूट में इस्तेमाल हुआ मोटरसाइकिल, लूट में इस्तेमाल हुआ असला। इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में जो कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल भी लूटा गया था, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। एक आदमी जो बंटी उस गैंग का सदस्य है, वो फरार है। कुल 6 लोग गिरफ्तार है, जिसमें आकाश पुत्र महावीर, विनीत पुत्र नरेंद्र और लवी पुत्र गोवर्धन, टिंकू पुत्र जयपाल, संदीप पुत्र रामनिवास, जोगेंद्र पुत्र बेंदु, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से बाबरी के भी लोग रहने वाले हैं, देवबंद सहारनपुर के भी रहने वाले हैं, और जो फरार अपराधी वो देवबंद सहारनपुर का है। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ सर? हथियार, हथियार, तमंचा बरामद हुआ, चाकू बरामद हुआ,
जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और ज्वेलरी पूरा जो 700 ग्राम जो लूट के मांगे पूरा बरामद हुआ है। आपराधिक इतिहास सर इनका कुछ? इनका एक इसमें आकाश जो है कुछ दिन पहले दिन में एक शांति ग्लोबल केयर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें एक महिला कर्मचारी से बदतमीजी कर रहा था, उनको पुलिस ने 354 IPC के मुकदमा में जेल भेजा था। वो छूट के आने के बाद ये घटना में पकड़ा गया। सर इसी के पेरेंट्स दोनों